बिल्डिंग जिसे आगे जाएंगे सिस्टर के यहाँ, हम लोग मशीन के पास घर से गए थे, आगे हैं मशीन के रास्ते में मैं टू थर्ड सेकंड अंदर चाहिए भी अंदर चाहिए वहाँ का बड़ा रहा है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी लकड़ा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ आई हुई हूँ। फ्रेंड्स तो ये है संगमरमर पत्थर निकालने का खदान, यहाँ पर निकालते हैं संगमरमर का पत्थर। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कौन कौन आए हैं, उधर फादर हैं, सिस्टर हैं, साथ में आए हैं हम लोग घूमने के लिए, यहाँ देखने के लिए। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये संगमरमर का पत्थर यहाँ से निकाला जाता है, जिसमें जिस जगह का नाम है ये त्रिपुरा सुंदरी, ये जगह का नाम है त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ क्या बोलेंगे इसको, ये है त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ निकलता है संगमरमर का पत्थर। ऐसा लग रहा है कि दीवार खड़ा किए हैं, कोई बिल्डिंग बन रहा है। इधर पानी है, पानी है। तो अभी और निकाला होगा ना, एक काम कर रहे हैं लोग, काट रहे हैं पत्थर को। मशीन चल रहा है उसमें, नीचे से ऊपर एक इंसान जा रहा है पत्थर उठाने के लिए, ट्रक का जो पीछे में जो उसका वो ट्रॉली रहता है ना, उस टाइप से बना हुआ है, उसी में उठा उठा करके ऊपर लाया जाता है। इतना बड़ा बड़ा है संगमरमर पत्थर, तब तो इधर मूर्ति भी पूरा इसी पत्थर का ना, इसी पत्थर का पूरा मूर्ति ऐसे। यहाँ पर पूरा खदान है संगमरमर का, देख सकते हैं आप लोग। इधर नीचे भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं लोग कैसे उतरते हैं, नीचे जाने का रास्ता ये लोग के लिए कैसा है, ऐसे जाते हैं इधर से, ये लोग काम करते हैं। कितना रिस्क है भाई यहाँ काम करने के लिए, ऐसे सीढ़ी बना हुआ है, इसमें लोग बना नहीं है, इसको रखे हैं सीढ़ी को, और ऐसे जा रहे हैं लोग। बहुत ही नीचे है, बहुत ही बड़ा एरिया है, ये सबसे बड़ा जगह है संगमरमर पत्थर निकालने का, और एक छोटा जगह भी है, और ये जगह है राजस्थान। आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आइएगा। वहाँ जो पत्थर है, वो पत्थर है उसको ट्रक में भर रहे हैं, नीचे से निकाले और फिर उसको पत्थर को डाल रहे हैं ट्रक में। हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं और कौन से जगह में जाएंगे। तो फ्रेंड्स संगमरमर पत्थर वाले खदान को देखने के बाद हम लोग जब वापस हो रहे थे तो एक बार सोचे कि ये क्यों ना हम इस मंदिर पर घुसें, तो ये घुसें और देखें, क्योंकि ये मंदिर राजस्थान के मंदिर श्री त्रिपुरा सुंदरी जाना जाता है और नाम वही है। तो हम सोचे कि हम भी यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं, और कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर शादी होता है, शायद शायद नहीं होता है, शादी कराया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये मंदिर है राजस्थान भोजनालय। अब हम लोग आ गए हैं चिड़ियावासा, जगह का नाम है चिड़ियावासा। ये पारिश है, फादर के यहाँ आए हैं। जगह का नाम है चिड़ियावासा और इधर है बत्तख, उधर है मुर्गे और इधर है फादर लोग का खेत। मक्का लगा हुआ है और वाह, गुआवा का पेड़ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतना बड़ा एरिया है, बहुत अच्छा है, खुला एरिया है, मस्त जगह है। खूब खुश ठूस के खाना खाएंगे, फिर भी अभी जूस पीने के लिए रुके हैं, थोड़ा जूस पियेंगे फिर चलेंगे। लौटते वक्त हम लोग रास्ते में थोड़ा शादी भी देख लिए, जगह है मैम। हाँ, रतनपुरा, रतनपुरा में हंस मिल रहा है देखने को, इधर ऐसे है स्कूल बस और ये है स्कूल। जोसेफ स्कूल रतनपुरा बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत भी है। ये है बाउंड्री, उधर से सनसेट दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।